जी व्यूअर्स, तो आज हम दिखा रहे हैं आपको नाज़माबाद की गलियां, वो भी रात के वक्त। कौन कौन से इलाके हैं वो सब देखिए, क्या क्या बिक रहा है वो भी जानिए, और क्या रेट हैं वो भी जानिए, और फिर बताइए कमेंट्स में कि नाज़माबाद रात में कैसा लगा। है ना खूबसूरत जगह, सारी रात जागता है ये इलाका। सब बंद हो जाएगा, यहाँ कुछ बंद नहीं होता, हर चीज़ चलती है, ट्रैफिक भी और कारोबार भी और फूड स्ट्रीट भी और गलियाँ भी। तो आइए रिपोर्ट देखिए, और फिर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए तफसीली रिपोर्ट आखिर तक देखिएगा, हर बदलते लम्हे में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो चलें देखते हैं, वीडियो बनवाएं अपने कारोबार की तरक्की के लिए, इस नंबर पर वॉइस नोट भेजिए। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। ये नाज़माबाद का बहुत ही पुराना स्कूल है, आइडियल फेडरल सेकेंडरी स्कूल 1E4/8 नाज़माबाद कराची। अब ये रोड जो सीधी है ना, ये नाज़माबाद पेट्रोल पंप की तरफ जाती है, लेकिन हम यहाँ से अंदर से लेते हैं। ये नाज़माबाद की गलियाँ रात के वक्त आप देखें, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ सन्नाटा सा भी है। ये एक और घर है तोड़ के नए सिरे से बनाया जा रहा है। पूरे नाज़माबाद में यही सूरत हाल है, जगह जगह घर टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। जहाँ पहले ग्राउंड फ्लोर होता था, वहाँ पे दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच मंजिला इमारतें बन गई हैं। ये अब हम सर्विस रोड पर आ गए हैं, और हमेशा की तरह यहाँ की सर्विस रोड भी तबाह हाल है। ये होटल है सीधे हाथ पर, और ये उसकी बैठक है। और ये सीधे हाथ पे पार्क है, जिशान शहीद पार्क है, ये पास अंधेरे में डूबा हुआ है ये भी। और रोड के उस तरफ ईदगाह ग्राउंड की लाइटें नजर आ रही हैं, फ्लड लाइट्स। और ये सामने नाज़माबाद पेट्रोल पंप का इलाका है, ब्रिज नज़र आ रहा है आपको। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे रात हो रही है गहरी, बहुत सख्त हवाएं चल रही हैं तेज़। ये मुख्तलिफ फ्रूट्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, नारियल भी बिक रहा है, अमरूद भी बिक रहा है, कीनू भी बिक रहा है, मौसम्बी भी है, केला भी है, सेब भी है, और ये कचरे खाना भी है यहाँ पे। ये स्टॉप पर आ गए हैं, ये देखें मिनी बस गुजर रही है, कोच गुजर रही है, X10 उसके ऊपर पैसेंजर छत तक बैठे हुए हैं। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, जैसे कि इस वक्त ऑयल टैंकर गुजर रहा है। ये है नाज़माबाद पेट्रोल पंप का PSO का पंप। मुख्तलिफ केबिन्स लगे हुए हैं, ये रहा ईदगाह मैदान, जो बाउंड्री वॉल है उसकी। ईद के दिनों में यहाँ पे ईद का बहुत बड़ा इज्तम लगता है लोगों का, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं,
12 सीटर रिक्शे आपके सामने से गुजर रहे हैं। सर्दी बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली आ रही है। रिक्शों का अंबार सीधा चलेंगे तो डाकखाने की तरफ ये रास्ता जा रहा है पुल के नीचे से। ये देखें आप, ये हाल है रोड का। पानी की टंकी रखी है किसी ने, बहुत बड़ा सा गड़ा हुआ हुआ है। ये चीकू बिक रहा है, रॉन्ग साइड ट्रैफिक। सीधा जाएंगे तो आप अन्नूबाई पार्क से होते हुए अब्बासी और फिर मैट्रिक के बोर्ड ऑफिस और फिर वहां से औरंगी टाउन बनारस की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेते हैं, यहाँ पे गर्म कपड़े भी बिक रहे हैं भाई, सब कुछ मिल रहा है रोड पर, आप ले सकते हैं, यहाँ पर आके खरीदारी कर सकते हैं। कैसा थी अमरूद? आधा किलो 1 किलो होगा 150। 1 किलो 150 रुपए का? जबरदस्त। है कहाँ का ये अमरूद? हैदराबाद का। ये रास्ता सीधा जाएगा नाजाबाद गोल मार्केट की तरफ। अब यहाँ पर इस इलाके का बहुत पुराना स्कूल भी है, हुसैनी स्कूल यहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर दिखाते हैं उसका भी हम आपको थोड़ा सा झलक। गहरे साए वाले घने दरख्त, यहाँ गाड़ियों की मैकेनिकों की बहुत दुकान है ये पूरे इलाके में। तो ये अब आ रहा है हुसैनी स्कूल का मेन गेट, वहाँ पे रोकते हैं, हम दिखाते हैं वो गेट भी आपको। ये वाला गेट, ये ब्लू कलर का गेट है ना, ये है, सॉरी ये ब्लू वाला तो फेडरल ऑटो रिपेयर है। और ये हमदर्द अस्पताल आ गया, मतलब है यहाँ पर उनका हमदर्द था। यहाँ पर आके अपना बच्ची भी इलाज करवा सकते हैं। ये इलाके की रौनकें, और ये है देखें डेरी मिल्क शॉप। 1 किलो दूध पर 1 पाव दूध फ्री है यहाँ पर। 1 किलो दूध खरीदिए और 1 पाव फ्री ले लें, ज़बरदस्त प्रमोशन हो रही है इस वक्त। और ये नाजाबाद का नंबर कहलाता है, नाजाबाद का ये 2 नंबर है, ये जो हॉस्पिटल है उसका मेन दरवाजा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो गोल मार्केट शुरू हो जाती है। सड़कें तबाह हाल हुई नहीं है, ये देखें आसिम अल्लाह वाला बिरयानी सेंटर है, ये काफ़ी पुराना पकवान है लेकिन फुटपाथ घेरी हुई है, पूरा सेटअप फुटपाथ पे और रोड के कुछ हिस्सों पे लगा हुआ है। ये आगे भी साथ में दुकानें हैं। और ये शकरकंदी बिक रही है, क्या हिसाब थी शकरकंदी? 100 रुपये पाव। 100 रुपये पाव? 100 रुपये पाव है भाई। सुनहरी बैंक की ये मुख्तलिफ दूध की दुकानें लग रहा है यहाँ पे काफ़ी खुल गई हैं। ये बेकरी है फाइन बेकर्स। ये देखें भाई,
नाजमाबाद के मशहूर गोलगप्पे सेटअप देख रहे हैं ना आप, वो है फुटपाथ, कॉर्न सूप भी बिक रहा है और सेटअप देख लीजिए आप कहाँ लगा हुआ है। मैं सर्दियों में सब चलता है, बैंकल अभी तैयार पर अब हम गोल मार्केट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सामने आपको स्टार बेकरी नजर आ रही है, इलाके की बहुत मशहूर बेकरी है, ये बिल्कुल ग्राउंड पे मौजूद है। इधर आगे जाएंगे तो के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है, और इसी रोड पे सीधा आगे चले जाएंगे तो बासी अस्पताल जाएंगे। इलाके की रौनक देख रहे हैं आप, जबरदस्त रोशनी रोशनी हर तरफ है। सीधा चले जाएंगे यहाँ पर तो आप गोल मार्केट की तरफ आप इंटर हो जाते हैं। तो ये थी एक वीडियो नाजाबाद के इलाके की, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।